साथियों, आपने इस वीडियो का इंट्रो तो देख लिया। अब इंट्रो पार्ट में आपको बताया गया कि हम पढ़ेंगे क्या, ओके, और इस वीडियो में क्या क्या टेक्निक का यूज़ किया गया है। एक बार आपको हम प्रीव्यू दिखाना चाहेंगे, जो इस प्रकार कुछ एनिमेशन के सहायता से हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बाकी आगे स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं सबसे पहले स्लाइड से, ओके। तो सबसे पहले स्लाइड से हम यही बात करें कि आखिर ये टेंस होता क्या है, टेंस क्या है भाई। तो टेंस हम लोग बात करेंगे लास्ट में कि आखिर टेंस कहते किसे हैं। आप लोगों से पूछा है कि टेंस क्या होता है, तो आप सीधा बोल देते हैं काल या समय। यही इसका डेफिनेशन नहीं हुआ, क्या डेफिनेशन है आगे चल के पता चलेगा हमको, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग जब टेंस पढ़ते हैं तो कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं, इस तरीके से टीचर्स ने या टीचर ने आपको हेडिंग दिया टेंस, और शुरू होता है प्रेजेंट से, ठीक है। प्रेजेंट का अगला पास्ट और अगला फ्यूचर। लेकिन ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होता क्या है, वही बेस को तो समझना इस वीडियो में, होता आखिर क्या है, ठीक है। फिर आप देखते हैं कि प्रेजेंट के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट के ही पार्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये चार भाग आपके दिमाग में चल रहा हो कि आप क्या नया बता रहे हैं इसमें, वही तो बता रहे हैं। लेकिन एक सेकेंड, जो आप पढ़ते हैं हम उसको बता रहे हैं कि आप पढ़ते कैसे हैं, हम उसको बता रहे हैं, ठीक है। हम कैसे पढ़ाएंगे आगे पता चलेगा। आगे देखिए, आगे पास्ट के बाद आपको क्या दिखता है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट के बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगला फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी ये बारहू का रूल आप लोगों ने जब से स्टार्ट किया है इंग्लिश पढ़ना, तब से रट रहे हैं, तब से रट रहे हैं। हम आपको यही वार्न करेंगे, यानी यही आपको कहेंगे कि आप रटिए ना, समझिए रूल बनता कैसे है। इसी रूल्स को हम लोग इस वीडियो में बनाना सीखेंगे, है ना। और कब इंडेफिनिट आ जाता है, आप लोग ताते ती रहा रहे रही करते हैं और वो आता ही नहीं है, वो आता ही नहीं है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रहा रही ताते ती नहीं आ रहा, गया कहाँ, किस टेंस में गया, ठीक है। तो आज हम लोग वही बनाना सीखेंगे, और बाकी ये पार्ट तो आपको समझ में आ गया है कि पार्ट बनता कैसे है, ठीक है। अब ये बनता कैसे आगे हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिए टाइम कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, सबसे पहले टाइम कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे। टाइम कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई, चलिए उसी की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। अब ये टाइम कॉन्सेप्ट क्या है, टाइम कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो आपको देखिए पहले टाइम कॉन्सेप्ट समझने से पहले आपको टाइम लाइन समझना पड़ेगा। आप टाइम लाइन कहेंगे, टाइम लाइन गुरुजी क्या होता है, टाइम लाइन क्या होता है ये तो बताइए, ये टाइम लाइन आपने किस लिए लिखा है। तो टाइम मतलब तो समय होता है, और लाइन मंस रेखा होता है, लाइन लाइन का मतलब हो जाएगा रेखा, ठीक है। तो आप बताइए इसका मतलब क्या हुआ। तो देखिए सबसे पहले हम टाइम लाइन यानी एक लाइन खींच रहे हैं, लाइन तो खींच दिया, ठीक है। आप क्या करेंगे इसका, तो देखिए लाइन जब हम खींच देंगे तो लाइन पे क्या होने वाला है, यानी सबसे पहले हम पास्ट को दिखा रहे हैं, और उसके बाद प्रेजेंट को दिखा रहे हैं, उसके बाद फ्यूचर दिखा रहे हैं। आप सोचेंगे इसका मतलब क्या हुआ। देखिए जैसे ये टाइम लाइन है ना, अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप प्रेजेंट में हैं, अभी आप प्रेजेंट में हैं, लेकिन कुछ कुछ के दिमाग में कुछ ख्याल चल रहा होगा तो फ्यूचर में है। कुछ कुछ के दिमाग में अगर ख्याल चल रहा कि वो ऐसा था ऐसी होगी, था तो पास्ट हो जाएगा और होगी तो फ्यूचर होगा। एक सेकंड, ठीक है। अब हम किस पे रुकेंगे, हम रुकेंगे किस पे, तो प्रेजेंट पे। प्रेजेंट मतलब जो वर्तमान में चल रहा है, जैसे आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, तो क्या वीडियो देखने का काम तो चल रहा है आपका, वीडियो देखने का काम तो चल रहा है ना, ठीक है चल रहा, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। लेते हैं आप सीधी बात, नो बकवास पे आते हैं। अब सुनिएगा, आप एक फिल्म का डायलॉग याद करिए, गदर का, गदर टू आ गया है, गदर वन का याद करिए। ये एग्जांपल हम क्लास में भी देते हैं, मतलब क्या है, अगर वो सनी देओल पाकिस्तान में जाता है तो क्या कहता है, हिंदुस्तान, मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, यानी पास्ट की बातें कर दिया, जिंदाबाद है यानी प्रेजेंट की बातें कर दिया, और जिंदाबाद रहेगा यानी फ्यूचर की बातें कर दिया। वो तीनों के अलावा और कुछ बोला क्या, तीनों के अलावा मतलब क्या कि और कुछ इसमें जोड़ के तो नहीं बना दिया, यानी हमने टाइम को बहुत बांटने की कोशिश किया लेकिन तीन भागों से अधिक में बांट ही नहीं सका।
ठीक है, इसीलिए उसने बोला कि मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। यानी सीधी बात पे आते हैं, यहाँ पे क्या है कि प्रेजेंट का मतलब जो चल रहा है, जो चल रहा है। अभी आप वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए आपके पिताजी आपके सामने हैं, तो क्या है? प्रेजेंट है। पास्ट क्या हुआ? पास्ट मतलब जो बीत गया। जैसे मान लीजिए आप कल स्कूल गए थे, तो कल स्कूल गए थे वो क्या है? पास्ट है आपका। अब आने वाले कल में आप स्कूल जाएंगे तो हो जाएगा आपका फ्यूचर। आशा करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होता क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं आगे। अब आगे की बात किया जाएगा तो अब हमारा देखिए एक्शन कंसेप्ट, इसको ध्यान से देखिएगा। इसके बाद ही हम लोग टेंस का जो बनता कैसे है, टेंस बन कैसे जाता है, वही बात करने वाले हैं। ठीक है, यानी एक्शन कंसेप्ट। एक्शन कंसेप्ट में क्या है गुरु जी? देखिए एक्शन मतलब सीधा समझिए, एक्शन मतलब होता है कार्य। क्या समझेंगे? एक्शन मतलब होता है कार्य, एक्शन मतलब कार्य होता है। ठीक है, एक्शन मतलब कार्य, समझ गए। तो इस एक्शन का मतलब क्या है? ठीक है, अब देखिए एक्शन का मतलब हमने क्या किया, एक्शन को हमने अलग अलग भागों में बांटा। अलग अलग भागों मतलब क्या? पहले हमने एक्शन को लिया तीन भाग में। तीन भाग में क्यों? तो देखिए पहला क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। होता क्या है, कोई भी दुनिया का कार्य, कोई भी दुनिया का कार्य, इस वर्ल्ड कोई भी कार्य हो, पहला जो कार्य होता है अगर वो चल रहा है, यानी अगर वो जारी हुआ, तो उसका पहला ही फेज होता है कंटिन्यू हो जाना। कंटिन्यू हो जाना यानी शुरू हो जाना, और शुरू हो जाने को ही बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। क्या समझ में आ रहा है? उसे शुरू हो जाने को बोलते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे आपके सामने खाना रखा, आपकी माताजी ने आपके सामने खाना रखा और वो खाना आप देख रहे हैं, चुपचाप देख रहे हैं, अभी खाना स्टार्ट तो नहीं किया। यानी आपके सामने ये थाली में खाना रख दिया गया, वो खाना आपने स्टार्ट तो नहीं किया खाना, ठीक है नहीं किया, लेकिन जो ही आप खाना शुरू करेंगे, जो ही खाना शुरू करेंगे, यानी वो खाने की प्रक्रिया आपकी शुरू हो जाएगी। यानी बोला जाएगा कि आप खा रहे हो, खा रहे हो, यानी आप खाने की प्रक्रिया में जारी हो, ठीक है। तो वो कौन सा प्रोसेस होगा? तो आप बोलेंगे वही तो कंटिन्यू हो जाएगा, वही तो कंटिन्यूस होगा, खाना खाना जब शुरू करेंगे वही तो कंटिन्यूस होगा। बात तो सही है। जैसे आप इस घर से निकले स्कूल के लिए, तो क्या बोलेंगे? मैं स्कूल जा रहा हूँ। मतलब आप घर से निकले कहाँ के लिए? स्कूल के लिए। तो ये जाने की प्रक्रिया जारी है, तो इसी को तो बोलते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस। और इसी से बन जाता है प्रेजेंट में जाएंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट में जाएंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर में जाएंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसमें कौन से रटने वाली बात है, बोलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्या होगा? अब अगले की बात करेंगे तो अगला देखिए क्या है। अब अगला है परफेक्ट प्रोसेस। अब बताइए, आपको खाना दिया गया था, कभी ना कभी आप खाएंगे ना, कभी ना कभी खा तो लेंगे, पूरा सब कंप्लीट तो कर लेंगे खाने का कार्य। खाने का कार्य कभी ना कभी तो पूरा कर लेंगे ना, तो आप बोलेंगे हाँ पूरा तो कर लेंगे। पूरा जब कर लेंगे तो उसी को तो बोलेंगे कि हमने खाना खा लिया, हमने खाना खा लिया, यानी जो खाना रखा था इस खाने को आपने ख़त्म कर दिया, तो आप क्या बोलेंगे? हमने खाना खा लिया, यानी खाने की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई। जैसे आप घर से निकले स्कूल जाने के लिए, स्कूल कभी ना कभी पहुंचेंगे ना, कभी ना कभी पहुंचेंगे ना, तो क्या बोलेंगे? हम स्कूल पहुंच चुके हैं, मैं स्कूल पहुंच चुका हूं, यही बोलेंगे ना। तो स्कूल तो आप पहुंच चुके हैं, तो जो कार्य पूरा हो जाता है वो परफेक्ट प्रोसेस कहलाता है। अब परफेक्ट प्रोसेस से ही परफेक्ट टेंस बनता है, अब परफेक्ट से ही प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ परफेक्ट का मतलब समझ में आया, जो पूरा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है? तो अगला देखिए परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसका मतलब गुरु जी क्या है, इसका मतलब क्या है? तो देखिए इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आपको वही खाना वाला एग्जांपल लेते हैं, खाना वाला एग्जांपल है। अब यहाँ पे मान लीजिए चार पांच रोटी कुछ भी खाते होंगे आप, एक ही खाते होंगे, है ना। वैसे लड़के खाते हैं, लड़कियाँ कम ही खाती हैं, ना कोई ना देखे तो ज़्यादा खाएगी सब। चलिए अब मान लीजिए यहाँ पे थाली में रखा है खाने के लिए। अब यहाँ पे आपको क्या कहा गया कि आपकी माताजी ने बोला कि लो खाना खाओ, आपने जो ही खाना खाना शुरू किया तो क्या हुआ, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस हुआ। लेकिन खाना कंप्लीट कर लेंगे तो परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन कि माताजी आपके यहाँ आती हैं, कहती हैं खाना खा लिए, खाना खा लिए तुम, तो आप अभी खा ही रहे हैं, आप खा ही रहे हैं, तो क्या बोलेंगे माताजी आपके, क्या बोलेंगे? एक घंटे से खा रहा है, यानी एक घंटा तो पूरा हो गया ना, और जो काम पूरा होता उसी को तो परफेक्ट बोल रहे हैं हम, उसी को तो परफेक्ट बोल रहे हैं।
जो अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी खाने की प्रक्रिया में जारी हैं, अभी खाने की प्रक्रिया में जारी हैं, तो आप क्या बोलेंगे, 1 घंटा तो पूरा हो गया, दूसरा घंटा जारी है। तो जो पूरा हो गया उसके लिए तो परफेक्ट हो गया, यानी इस 1 घंटे के लिए तो परफेक्ट हो गया, और जो जारी है उसके लिए क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। इन दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसी से बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसी से बनता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसी से बनता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आशा करते हैं कि एक्शन एकदम क्लियर होगा। अगर क्लियर हो गया है तो आप कभी भी टेंस में गलती नहीं करने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा, आप कभी भी टेंस में गलती नहीं करने वाले हैं, अगर ये समझ गए आप तो, है ना। अगर कम भी समझ में आया होगा तो वीडियो को दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपके दिमाग में आ रहा तीन तो नहीं होता है, एक और भी होता है। अगर मान लीजिए हम खाना खाते हैं, बोलना होगा तब। अगर हम मान लीजिए हम कहीं बोलेंगे कि मैं खाना खाता हूँ, या मैं सोता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ये कहाँ से आएगा? अब तो गड़बड़ हो गया गुरु जी। मतलब मैं पढ़ता हूँ तो कंटिन्यूअस में आएगा? कहेंगे कि ना, इसमें तो ना आएगा। परफेक्ट में आएगा यानी वो पूरा हो गया है ना, ऐसा तो ना है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा, ये भी तो ना है। मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं पढ़ता हूँ, यही बोल रहे हैं ना कि मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मतलब ये तो किसी में नहीं आ रहा। तो इसीलिए एक अलग से बना दिया कि केवल जब इन्फॉर्मेशन देनी होती है, केवल जब इन्फॉर्मेशन देनी होती है, मतलब केवल इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि केवल हम सूचना दें, केवल सूचना दें कि ऐसा मैं करता हूँ, ऐसा होता है। अच्छा, ऐसा होता है? हाँ ऐसा होता है। उसके लिए क्या होगा, ओनली इन्फॉर्मेशन के लिए, इसी के लिए बना दिया गया इनडेफिनेट प्रोसेस। इसी के लिए क्या बना दिया गया, इनडेफिनेट प्रोसेस। अब कहें गुरु जी कैसे, हमने क्या बोला, मैं पढ़ता हूँ। आगे एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे हम, है ना। अभी समझने की कोशिश करिए आप, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मतलब केवल ये तो जानकारी है, इनडेफिनेट है, डेफिनेट नहीं है। मतलब जो डेफिनेट नहीं है कब हो जाए, है ना, जो डेफिनेट नहीं है वो इनडेफिनिट है। मतलब इनडेफिनिट का कहने का मतलब क्या है कि जो पता नहीं कब हो जाए। जैसे मैं पढ़ता हूँ कब पढ़ने लगूँ, मैं खाता हूँ कब खाने लगूँ, मैं सोता हूँ कब सोने लगूँ, ऐसा तो कोई गारंटी नहीं है ना इसका। तो ये क्या है, केवल इन्फॉर्मेशन है, इनडेफिनिट प्रोसेस है। समझ में आया? तो ये बनता है इनडेफिनिट, और इसी से बन जाता है प्रेजेंट इनडेफिनिट, और इसी से बनता है पास्ट इनडेफिनिट, और इसी से बनता है फ्यूचर इनडेफिनिट। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, जिसको बोल देते हैं नॉन एक्शन इन्फॉर्मेशन। जैसे मैं खाता हूँ, इसमें कौन सा बात है, मैं तुमको जानता हूँ, इसमें कौन सा एक्शन हो रहा है, इसमें कौन सा कार्य हो रहा है। तो नॉन एक्शन इन्फॉर्मेशन हो, चाहे नॉन एक्शन इन्फॉर्मेशन हो, चाहे क्या हो, ओनली इन्फॉर्मेशन हो, चाहे इनडेफिनेट प्रोसेस हो, ये किस में आता है, तो ये आता है इनडेफिनेट। और इनडेफिनेट प्रोसेस कहने का मतलब क्या है, ये इनडेफिनेट टेंस में आता है। इनडेफिनेट टेंस मतलब प्रेजेंट इनडेफिनेट, पास्ट इनडेफिनेट, फ्यूचर इनडेफिनेट। सही है, आशा करते हैं कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और आगे एग्जाम्पल से आप समझेंगे, प्रेजेंट टेंस जो होता है उसका टेस्ट हम देखेंगे, है ना। प्रेजेंट टेंस में जो जो आता है उसका हम लोग टेस्ट देने वाले हैं, टेस्ट क्या होगा देखिएगा। ठीक है, तो टेस्ट में देखिए पहला, और आप लोग सोचिए, पढ़े हैं वो समझ में आया है कि ना, वह स्कूल जाता है। आप सोचेंगे वह स्कूल जाता है, ये किस में, कंटिन्यूअस में आएगा, यानी कंटिन्यूअस में वो होता है कि जो जारी रहता है, ऐसा तो ना है। परफेक्ट में आएगा, मतलब परफेक्ट मतलब क्या, जो पूरा हो गया होता है, जो पूरा हो चुका होता है, ऐसा तो ना है। वह स्कूल जाता है तो कल भी जाता था, आज भी जाएगा, आने वाला कल में भी जाएगा। परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस है क्या, कुछ पूरा हो गया, कुछ चल रहा है क्या, ऐसा तो ना है। तो कौन हो गया, वो हो जाएगा इनडेफिनेट, और वो हो जाएगा इनडेफिनेट मतलब प्रेजेंट इनडेफिनेट, वो हो जाएगा प्रेजेंट इनडेफिनेट, इसी को बोलेंगे इनडेफिनेट प्रोसेस। ठीक है, दूसरा देखिएगा, वो स्कूल जा रहा है। अब तो बोलेंगे गुरु जी हम तो ऐसे बता देंगे इसको, कैसे मतलब बता देंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि वो स्कूल जा रहा है, मतलब वो स्कूल जाने की प्रक्रिया में है, वो स्कूल जा रहा है। समझ में आ रहा, वो स्कूल जा रहा है मतलब वो कंटिन्यू है, वो जारी है, जाने के स्कूल जाने के प्रक्रिया में जारी है, यानी वो कंटिन्यूअस है। तो वो बन जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और ये कब जारी है, तो ये जारी वर्तमान समय में है, तो इसीलिए प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, और वो वर्तमान में जारी है, इसलिए क्या हो जाएगा, वो वर्तमान में जारी है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, है ना। वैसे इसको अगर ट्रांसलेट करना चाहें तो कर सकते हैं कि वो स्कूल जाता है तो क्या बोलेंगे, ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। ठीक
ठीक है, इंग्लिश भी ट्रांसलेट की है, टेंशन ना लीजिए, पहले हिंदी भाषा सीखिए, उसके बाद हम लोग इंग्लिश में आ जाएंगे। क्योंकि इंग्लिश हम तभी सीख रहे हैं जब हमको इंग्लिश पता नहीं है, हम हिंदी बोलते हैं तो हमको पहले हिंदी समझ में आए तब तो इंग्लिश समझ में आएगा, ठीक है। आगे देखिए तीसरा, वो स्कूल जा चुका है, मतलब वो स्कूल जा चुका है मतलब वो स्कूल जाने की प्रक्रिया पूरी हो गई, कंप्लीट हो गया। जब कंप्लीट हो गया तो परफेक्ट हो गया, और परफेक्ट अगर वर्तमान में हो तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, ठीक है गुरुजी, ये भी तो समझ में आ गया हमको। आगे ठीक है, अगला बोलिएगा, वो स्कूल 2 घंटे से जा रहा है, मतलब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, आ गया टाइम, मतलब टाइम क्या आ गया, 2 घंटे से जा रहा, 2 घंटा तो पूरा हो गया ना, और वह भी जा रहा है, जाने की प्रक्रिया में जारी है, तो 2 घंटा जो पूरा हो गया वो क्या बताएगा, परफेक्ट। और जो जारी है वो क्या बताएगा, जो जारी है वो बताएगा कॉन्टिन्यूअस, तो इसी से बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सही है। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, समय ना लेते हुए आगे बढ़ा जाएगा। पास्ट का आप खुद टेस्ट देंगे इसका, पास्ट का बोलिए, वह स्कूल गया था, मतलब कब गया था, पास्ट में गया था, और ये केवल इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना है, वह स्कूल गया था, ये स्कूल गया, तो क्या बोलेंगे, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया था, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, केवल इन्फॉर्मेशन, ये कौन सा है, तो ये केवल इन्फॉर्मेशन है, इसलिए किस में आएगा, ये आएगा इंडिफिनिट में, और वो भी पास्ट के इंडिफिनिट में, क्योंकि पास्ट में गया था, बीते गए समय में गया था, भूतकाल में गया था। आगे बताएंगे आप, वो स्कूल जा रहा था, मतलब कब जा रहा था, पास्ट में जा रहा था, अभी थोड़ी जा रहा था, पास्ट में जा रहा था, और क्या पास्ट में जाने की क्रिया जारी थी तो वो जा रहा था, तो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, बहुत बढ़िया बात गुरु जी। अगला बोलिए, अगला क्या हो जाएगा, अगला होगा, आगे बढ़ते हैं तीसरे पे, वह स्कूल पहले ही जा चुका था, मतलब वह स्कूल पहले ही कुछ हुआ होगा, मान लीजिए घर पे झगड़ा किया कि ना हमको समोसा चाहिए, झगड़ा किया, आ स्कूल झगड़ा करने से पहले ही चला गया, मतलब झगड़ा ना किया, हाँ चलिए कुल मिला के सीधा समझिए ना, स्कूल लिखा है वो तो एग्जाम्पल दिया है, वह स्कूल पहले ही जा चुका था, स्कूल पहले ही जा चुका था, मतलब वो पास्ट में जा चुका था, तो पास्ट परफेक्ट। आगे बोलिएगा, अगला क्या है, वह स्कूल 2 घंटे से जा रहा था, बस बस पकड़ा आ गया ये, तो क्या 2 घंटे से जा रहा था ना, कब जा रहा था, पास्ट में जा रहा था, तो 2 घंटा जो पूरा हो गया तो परफेक्ट दिखाएगा, जो जा रहा था वो तो कंटिन्यूअस दिखाएगा, और कब जा रहा था तो पास्ट में, तो क्या बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। ये सब हम लोग नहीं पढ़ते हैं, सीधा इंडिफिनिट पे कूद जाते हैं, तातैया करते हैं, वो समझ में आएगा कभी ना आएगा, टीचर भी गलती करता है, स्टूडेंट साथ में गलती करता ही है, अब स्टूडेंट क्या करें। अब देखिए पहला, अब आते हैं फ्यूचर वाला टेस्ट, फ्यूचर का खुद दीजिए आप लोग, खुद दीजिए, बोलिए वह स्कूल गया होगा, अब बोलेंगे क्या स्कूल गया होगा, मतलब ये तो फ्यूचर की जानकारी लग रही है, क्योंकि फ्यूचर में ना तो ये जारी है, ना तो पूरा हो गया, ना तो कुछ समय से चल रहा है, अगर जारी होता तो कंटिन्यूअस हो जाता, अब पूरा होता तो परफेक्ट हो जाता, कुछ समय से जारी रहता तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा इससे, तो क्या हो जाएगा, वह स्कूल गया होगा, मतलब केवल जानकारी है, तो जानकारी है इसलिए तो इंडिफिनिट है, और फ्यूचर की जानकारी है तो फ्यूचर इंडिफिनिट है, फ्यूचर की जानकारी है तो फ्यूचर इंडिफिनिट है, वाह वाह गुरु जी समझ में तो आ गया। दूसरा, वो स्कूल जा रहा होगा, ओह ये भी पकड़ में आ गया, कैसे, क्योंकि स्कूल जा रहा होगा ना, स्कूल जा रहा होगा मतलब क्या है, तो स्कूल जा रहा होगा इससे मतलब ये है कि ये जाने की क्रिया जारी है, कब, फ्यूचर में, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। आगे बढ़िए, अगला क्या हो जाएगा, अगला होगा वह स्कूल जा चुका होगा, ओ हो स्कूल जा चुका मतलब वह स्कूल फ्यूचर में जा चुका होगा, यानी वो काम तो पूरा हो गया होगा फ्यूचर में, तो ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट, बहुत बढ़िया बात है। आगे बढ़िए, चौथा, वह स्कूल 2 घंटे से जा रहा होगा, 2 घंटे से जा रहा होगा मतलब इसका भी तो पता चल गया, क्योंकि वह 2 घंटे से जा रहा होगा, जो पूरा हो गया परफेक्ट, और जो जारी है कंटिन्यूअस, अब कब जारी है, तो फ्यूचर में, तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सही है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आप सोचेंगे कि आप गुरुजी हमको हिंदी में तो पता करने बता दिए कि हम हिंदी में समझ जाएंगे ये टेंस किस टेंस में है, लेकिन अगर मान लीजिए इंग्लिश में आ गया तब कैसे पहचानेंगे, उसका भी दवाई है, उसका भी ट्रिक है, उसको भी। सबसे पहले अगर आपको हिंदी में तो पहचान लेंगे, लेकिन अगर कोई टेंस को इंग्लिश में अगर लिखा हो सेंटेंस, और आपको पहचानना हो कि ये किस टेंस में है, ओके, और इसका स्ट्रक्चर कैसे बना है, जो फॉर्मूला हम लोग रटते हैं वो बनता कैसे है, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से इस आगे
कंप्लीट करिए इस वीडियो को। और देखिए, सबसे पहले उसको समझने से पहले वर्ब का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। आप बोलेंगे वर्ब क्या होता है, तो वर्ब का डेफिनेशन हम थोड़ा सा लिए हैं। वैसे वर्ब का चैप्टर नहीं है, लेकिन वर्ब को बताने के लिए हम थोड़ा सा आपको हिंट देंगे, ताकि आपको समझ में आए कि वर्ब होता क्या है। क्योंकि वर्ब एक मेन पार्ट होता है किसी टेंस को समझने के लिए। क्रिया, इसको क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, देखिए वर्ब क्या है। तो वर्ब एक शब्द है, ठीक है, शब्द है, वो तो हमको भी पता है शब्द है, लेकिन कैसा शब्द है, वर्ब एक कैसा शब्द है, ठीक है, बात करते हैं इस पर। तो क्या बोला है कि वर्ब एक शब्द है जिसका प्रयोग कुछ कार्य, भावना या अस्तित्व को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ओके, आगे ठीक है। आगे क्या है कि हमें एक वाक्य में विषय के बारे में कुछ बताता है। कुल मिला के ये सीधा समझिएगा, आपने बचपन में रटा भी था कि जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे वर्ब कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे वर्ब कहते हैं। वर्ब क्या बताता है, अब वर्ब पहचानेंगे कैसे, तो वर्ब तो पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा तब तो पहचानेंगे। अब एक ट्रिक बता रहे हैं वर्ब को पहचानने का, ध्यान दीजिए। किसी भी अंग्रेजी शब्द के मीनिंग निकालिएगा, कोई भी अंग्रेजी शब्द का मीनिंग निकालिए, और अंत में अगर ना आ गया आए तो वह मेन वर्ब या वर्ब का उदाहरण होता है। जैसे आप बता दीजिए, जैसे गो मतलब क्या होता है, जाना, तो जा में ना जोड़ देंगे तो जाना। कम मतलब आना, आ में ना जोड़ देंगे तो आना। प्ले मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे खेलना, और खेलना होता ही है, ठीक है। जब खेलना होता है, खेलना में क्या आ रहा है, ना आ रहा है, ठीक है। जब खेलना में ना आ रहा है तो क्या बोलेंगे इसको, कम आना, प्ले खेलना, टेक मतलब लेना, गिव देना, रीड मतलब पढ़ना। और अगर वर्ब आपने इसको याद नहीं किया कि सेकेंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, तो कंप्लीट हमने 500 वर्ब का एक वीडियो बनाया है जो 1.5 घंटे का है, उसको आप कवर करिए, आपको कंप्लीट वर्ब याद भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए अब होता क्या है। आप बोलेंगे इस वर्ब का यूज क्या है गुरुजी, ये तो बताइए। वर्ब का यूज इसलिए है, देखिए वर्ब कॉन्सेप्ट पे आते हैं। पहले ये ऊपर ध्यान दीजिए, ऊपर ध्यान क्या देंगे आप यहाँ पे कि फ्यूचर टाइम, यहाँ लिखा है ना फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम दिखाने के लिए हम क्या करते हैं कि विल शैल का प्रयोग कर देते हैं। फ्यूचर टाइम दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो आप बोलेंगे विल शैल का प्रयोग करते हैं। ऐसा क्यों, तो ये मॉडल है। मॉडल करता क्या है, ये सपना ख्वाब दिखाता है, कुछ करेगा और करेगा तो ना, ख्वाब दिखाएगा, तो विल शैल लगाते हैं फ्यूचर टाइम दिखाने के लिए, क्योंकि फ्यूचर टाइम है नहीं माना गया है, तो फ्यूचर को दिखाने के लिए विल शैल लगाना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए हम पहला क्या लिए हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, इतना मान के चलते हैं कि इतना जानकारी आपको होगा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और अगला वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस S या ES, ठीक है गुरुजी। आप ये तो बताइए इसका काम क्या है। तो देखिए यहाँ पे एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे हम, और ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। पहले हम टाइम पे बात करेंगे। आप बोलेंगे टाइम मतलब क्या, तो पहले हम टाइम पे इसलिए बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, टाइम पे बात किया जाएगा। टाइम पे मतलब पहला टाइम है, तो टाइम मतलब क्या है, अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहीं दिखे तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहीं दिखे तो इसका मतलब क्या समझेंगे, तो आप बोलेंगे अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहीं दिखे तो इसका मतलब हम समझेंगे प्रेजेंट, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टाइम दिखाता है, ठीक है। सेकेंड फॉर्म क्या दिखाता है, तो आप बोलेंगे पास्ट टाइम दिखाता है। थर्ड फॉर्म कोई टाइम दिखाता है क्या, ना, टाइम नहीं दिखाता। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING कोई टाइम दिखाता है क्या, ये भी टाइम नहीं दिखाता। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस S या ES कोई टाइम दिखाता है क्या, ना, ये भी कोई टाइम नहीं दिखाता। तो क्या करता है ये, तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट दिखा देता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट दिखा देता है, और फ्यूचर दिखाने के लिए क्या आ जाता है, विल या शैल। तो टाइम दिखा लेंगे, टाइम और एक्शन मिलकर ही टेंस बना देते हैं। ओके, अब देखिए अगर बात किया जाए यहाँ पे कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिर्फ प्रेजेंट ही दिखाता है, नहीं, अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अकेला आ गया तो वो इनडेफिनिट दिखाएगा, और साथ में जुड़ जाता है प्रेजेंट इनडेफिनिट हो जाता है। इसलिए आप टेंस के रूल में याद करते हैं कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ES जोड़िए। क्यों जोड़िए भाई, कारण तो होगा कुछ ना। ओके, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म अगर अकेला चुपचाप दिख जाए तो प्रेजेंट इनडेफिनिट बना देता है। ध्यान से सुनते रहिए बस, आप लोग आगे, हम लोग एग्जांपल लिया है इसका। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या दिखाता है, तो आप बोलेंगे पास्ट दिखाता है गुरुजी। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या दिखाता है, पास्ट दिखाता है। लेकिन अगर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब अकेला आ जाए, अगर किसी सेंटेंस में अकेला आ जाए तो पास्ट इनडेफिनिट दिखा देगा।
वो पास्ट इंडेफिनिट दिखा देगा। अच्छा वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या दिखाता है? कोई कार्य दिखाता है। एक्शन मतलब यहाँ पे एक्शन लिखा गया है ना, एक्शन मतलब कार्य, कोई कार्य दिखाता है क्या? हाँ वो काम को पूरा होने को बताता है। कौन? वर्ब के थर्ड फॉर्म। लेकिन ये तो बताइए गुरुजी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या बताता है? तो आप बताएंगे ये कॉन्टिन्यूस बताता है। कॉन्टिन्यूस मतलब कार्य का जारी होना बताता है ये। अच्छा ये कार्य को बताता है, ठीक है। ये टेबल को आप लोग याद कर लीजिए, है ना, नहीं तो घर में चाय बना हो, कुछ दूध हो, कुछ पानी हो, लस्सी हो, उसमें मिला के इसको पी जाइए, मतलब याद करना है, सीधी सी बात है ना, इतना तो याद करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप रूल बना पाएंगे, है ना। तो पूरा 12 रूल आप याद करिए, कहाँ कौन लगता है, कहाँ कौन लगता है, पूरा कन्फ्यूजन में रहेंगे आप। अब देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस क्या बताता है? तो ये देखिए वर्ब में अगर एस या ईएस जोड़ देते हैं, किसी भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं तो सिंगुलर बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है, हाँ सिंगुलर बन जाता है, ठीक है, सिंगुलर बन जाता है। तो और ना जोड़े तो वो प्लुरल होता है, ना जोड़े तो प्लुरल होता है। अब कहेंगे ठीक है ये तो हम पहचान गए, लेकिन ये तो बताइए बनता कैसे है, इज एम आर वाज वर आ जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए हम पहला लिए हैं बी। बी एक क्या होता है, बेसिक हेल्पिंग वर्ब होता है जो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम करता है। तो बी को हमने लिया है बी। बी को, बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, इज एम आर। आप लोग देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस में इज एम आर आ जाता है, ये कहाँ से आ जाता है? तो याद रखिएगा जो बी होता है ना, बी का ये फर्स्ट फॉर्म होता है इज एम आर, ठीक है। सेकेंड फॉर्म क्या होता है, तो आप बोलेंगे वाजवर होता है। थर्ड फॉर्म क्या होता है, थर्ड फॉर्म तो बताइए गुरुजी, थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो बीन हो जाता है, थर्ड फॉर्म बीन हो जाता है। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में क्या होता है, तो बीइंग होता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ा जाता है क्या बी में? तो नहीं, ये सिंगुलर बनाने के लिए इज आ जाता है, यहाँ पे ये नहीं होता है, ठीक है। हैव की बात कीजिए तो हैव का फर्स्ट फॉर्म हैज या हैव होता है, सेकेंड फॉर्म हैड होता है, ओके। थर्ड फॉर्म की बात करें तो हैडे होता है, और आईएनजी की फॉर्म की बात करें तो ये क्या होता है, हैविंग होता है। आईएनजी की फॉर्म की बात करें तो क्या होता है, हैविंग होता है, ठीक है। बस इसको याद करते रहिए अभी, है ना। अभी अगर आपको ना समझ में आ रहा तो कोई बात ना, अभी इस टेबल को तो याद करिए। डू का मतलब क्या होता है, डू देखिए, डू मतलब करना होता है, डू मतलब क्या बोलेंगे, करना होता है। और डू का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, तो आप बोलेंगे डू और डज होता है। डू और डज मतलब अगर डू में एस या ई एस, डू में ई एस जुड़ता है, एस तो जुड़ेगा ना, तो डज बन जाएगा। सेकेंड फॉर्म क्या होता है, तो आप बोलेंगे डिड होता है, आप बोलेंगे डिड होता है। थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो आप बोलेंगे डन होता है। गुरुजी आईएनजी की बात करें तो ये क्या होता है, डूइंग होता है। आईएनजी की बात करें तो डूइंग होता है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जब जोड़ते हैं तो ये होता है डज होता है। अब आपके दिमाग में चल रहा हो कि ये क्यों बनाते हैं फॉर्म्स, तो आपको तो बताया गया ना कि अगर प्रेजेंट का टाइम दिखाना होगा तो हम किसको बताना पड़ेगा, अगर प्रेजेंट का टाइम दिखाना होगा तो वो आपका फर्स्ट फॉर्म आता है। प्रेजेंट का टाइम दिखाना होगा तो वो आपका कौन सा फॉर्म आता है, तो आप बोलेंगे वो आपका फर्स्ट फॉर्म आता है गुरुजी, ठीक है, इसीलिए फॉर्म बनाया गया। सेकेंड फॉर्म क्या दिखाता है, पास्ट। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, पास्ट में वाजवर आएगा, हैड आएगा, और क्या आता है, डिड आता है। इसलिए वो आपके थर्ड फॉर्म में क्या आता है, तो वो आपके थर्ड फॉर्म में परफेक्ट आता है, और परफेक्ट कभी अकेला नहीं आता, ये प्रेजेंट के साथ आएगा, नहीं तो पास्ट के साथ आएगा, नहीं तो फ्यूचर के साथ आएगा, ठीक है। तो बीन आता है, हैड आता है, और डन आता है, ठीक है गुरुजी। आगे बोले आईएनजी में क्या जाता है, बी का बीइंग। ये टेबल तो आपको याद हो गया होगा, चलिए इसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई कैसे करते हैं वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो अप्लाई करके हम लोग देखते हैं। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे हम देखते हैं कि टेंस की पहचान हम कैसे करेंगे, आखिर जो टेंस बनता है उसका रूल बन कैसे जाता है। ये जो टेबल है, इस टेबल को आप ध्यान से देख लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। इसी टेबल के माध्यम से पूरा जितना भी टेंस होता है सबको हम लोग बना लेंगे। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, आगे बढ़ा जाएगा। और उसके बाद देखिए हम लोग बात करेंगे टेंस, टेंस क्या होता है, आखिर टेंस क्या है भाई टेंस, ओके। अब टेंस क्या होता है, देखिएगा टेंस क्या होता, किसी भी टाइम पर, किसी भी टाइम पर, ओके, किसी भी टाइम पर किसी भी एक्शन, पोजीशन, हैपनिंग, फैक्ट, किसी की भी जानकारी दे देना टेंस है। अब ये ना समझ में आया होगा आपको, नीचे लिखा है, ध्यान से पढ़िए, किसी भी टाइम पर कोई भी जानकारी देना ही टेंस है। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी टाइम पर, कोई भी टाइम हो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, किसी भी टाइम को बेस मानकर कोई भी जानकारी दो,
जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, प्रेजेंट की बातें हैं, मैं स्कूल जाता था, पास्ट की बातें हैं, मैं स्कूल जाऊँगा, फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर इनडेफिनिट, ठीक है। इतना तो अब आप पकड़ लेंगे कि होगा क्या। अब हम बात करेंगे कि हम लोग टेंस बनाते कैसे हैं और बन कैसे जाता है, ठीक है, और उसका रूल क्या है। तो देखिए टेस्ट है और ये टेस्ट आप लोग अवश्य दीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए इसमें क्या है कि पहला क्या लिखा है, तो पहला लिखा है ही प्लेज टेनिस एवरी डे, मतलब वह टेनिस खेलता है प्रत्येक दिन, वो प्रत्येक दिन टेनिस खेलता है। इसका मतलब कैसे बनाएंगे गुरुजी? तो आपको बताया गया था, ध्यान दीजिएगा, आपको ये बताया गया था कि अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहीं दिखे और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म दिख गया है यहाँ पे, तो यानी यहाँ पे क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और इस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ दिया गया है। ऐसा क्यों? कि ये जो ही सी इट नेम होता है ना, ही सी इट नेम थर्ड पर्सन वाला, ये होता है सिंगुलर, सिंगुलर और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब भी होना चाहिए। और वर्ब सिंगुलर कब होगा, आपको टेबल में दिखाया गया था कि जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ते हैं तब होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें क्या जोड़ा है, एस जोड़ दिया है। तो अब बताइए प्ले लिखा है, प्ले मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो वर्ब का बोलेंगे आपकी वर्ब का तो फर्स्ट फॉर्म है। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है गुरुजी तो ये कौन सा टेंस होगा, तो आप बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसे? क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट दिखा रहा था, प्रेजेंट दिखा रहा था और इसके आगे पीछे कोई अन्य वर्ब ना हो, अन्य हेल्पिंग वर्ब ना हो तो क्या होगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही ड्राइव्स हिज कार टू वर्क एवरी डे। अच्छा, वह कार क्या करता है, ड्राइव मतलब चलाना, अपना कार चलाता है ना, किस लिए, काम पे जाने के लिए। वो प्रत्येक दिन कार चलाकर किस लिए जाता है, काम पर जाता है, ठीक है, तो काम के लिए जाता है। तो अब ड्राइव्स यहाँ पे लिखा है ना, अब ड्राइव्स अगर लिखा है यहाँ पर तो ये ड्राइव्स है क्या, तो आप बोलेंगे वर्ब का तो फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ दिया, एस जोड़ दिया है, तो ये भी कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप इस चार्ट को याद रखिए, चार्ट को भूलिएगा मत। देखिए हम यहाँ पे बात करेंगे, इस एक चार्ट को हम थोड़ा समझाएंगे आपको देर तक, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया तो उसके बाद सब समझ में आ जाएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप आते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की बात करें तो क्या आता है, तो आप बोले थे कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है, यहाँ पे एस या ई एस भी जुड़ता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जुड़ता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखाता क्या है, तो आप बोले थे कि प्रेजेंट दिखाता है, और इसके साथ और कोई ना हो तो इंडेफिनिट दिखा देगा। अब बताइए प्ले, यहाँ प्लेज दिख रहा आपको, ये टेबल में प्लेज दिख रहा, तो ये क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ा गया है, तो एस जोड़ा गया, ई एस नहीं जोड़ा है, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, तो बोलेंगे आपकी प्रेजेंट और उसके साथ इंडेफिनिट, है ना, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं पीआई, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। आगे बढ़ते हैं अगला टेंस पे, अगला आप लोग बताइएगा यहाँ पे क्या लिखा है, सी इज ईटिंग, मतलब सी इज ईटिंग ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग होगा, आगे क्या होगा, मॉर्निंग होगा, तो ये कौन सा टेंस है, तो आप बोलेंगे ये इज एम आर आता कहाँ पे है, तो इस टेबल को देख लीजिए, इस टेबल को आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे इस टेबल को अगर हम देख लें तो टेबल कौन सा, ये टेबल है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में इज एम आर यहाँ पे आ रहा है, तो ये क्या दिखा रहा था, प्रेजेंट दिखा देगा, तो ये तो प्रेजेंट हो जाएगा, लेकिन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म क्या दिखा रहा था, आप बोलेंगे कंटिन्यूअस दिखा रहा था गुरुजी, तो ये दोनों मिला के बन क्या जाएंगे, क्योंकि टाइम और एक्शन ही मिला के टेंस बनते हैं, तो ये बन जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है, नीचे वाला भी क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है, बता देंगे। आगे बढ़िए, अगले में बढ़ते हैं, अगला आप लोग बताइएगा, अगला क्या लिखा है, आई हैव, देखिए अगला लिखा है आई हैव सीन द मूवी, ओके, आई हैव सीन द मूवी मतलब मैंने मूवीज़ देख चुका, मैं मूवीज़ देख चुका हूँ, मैं मूवीज़ देख चुका हूँ मतलब क्या, ये तो कब की बातें हैं, तो आप बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की बातें हैं, तो हैव क्या दिखाता है, तो इस टेबल से देख लीजिए आप, टेबल से जब आप लोग देखेंगे, टेबल में देखेंगे तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिख रहा है आपको, ये क्या दिखाता है, प्रेजेंट दिखाता है, और हैज़ या हैव किस में आता है, तो आप बोलते हैं कि प्रेजेंट में आता है गुरु जी, ठीक है, और ये सीन क्या है, तो आप बोलेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या दिखाता है, तो आप बोलेंगे परफेक्ट दिखाता है, दोनों को जोड़ दीजिए, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से प्रेजेंट और वर्ब के थर्ड फॉर्म से परफेक्ट, दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, क्या बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है।
आशा करते हैं कि आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये टेंस बन कैसे रहा है। और यही अगर रूल लिखना चाहते हैं तो वो पहले हो जाता है सब्जेक्ट, फिर हो जाता है क्या हैज़ या हैव, हैज़ हो जाएगा या तो हैव हो जाएगा, और फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दिया जाता है। और इसी रूल को आप पूरा ज़िंदगी भर याद करते हैं, है ना। आप बनाना सीख जाइए, बना लेंगे आराम से। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए क्या होगा। अगला हमारा एग्जाम्पल है, देखिए अगला एग्जाम्पल क्या है। आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर अ ईयर। ओके, तो क्या है, एक वर्ष से क्या कर रहा, एक वर्ष से इंग्लिश स्टडी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है इंग्लिश का, तो एक वर्ष से कर रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए हैव क्या दिखाता है, स्टेबल में देख लीजिए आप, है ना, बोलने से क्या हो सकता है, आप स्टेबल को देखिए। तो अब स्टेबल में जब देखेंगे आप तो हैव क्या दिखाता है, आप बोलेंगे प्रेजेंट दिखाता है, प्रेजेंट दिखा देगा तो हैव क्या दिखा देगा, तो आप बोलेंगे प्रेजेंट दिखा देगा। बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो इससे क्या बनेगा, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से प्रेजेंट, वर्ब के थर्ड फॉर्म से परफेक्ट, आईएनजी क्या दिखा देगा, तो आप बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस, तीनों को मिला दीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला बताइएगा आप लोग, अगला बोलिएगा। अगला लिखा है कि वी प्लेड, है ना, थोड़ा तेजी में चलेंगे हम लोग, वी प्लेड। अब बोले ये कौन सा फॉर्म है, तो आप बोलेंगे ये तो सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म क्या बताता है गुरुजी, तो ये बताता है क्या, पास्ट बताता है। और इसके आगे पीछे कोई भी और वर्ब है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं, ये कौन सा हो जाएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट होगा। ये यहाँ पे प्लेड आपको दिख रहा है, तो ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। आगे बढ़ते हैं, अगला आप लोग बोलिएगा, अगला क्या है, अगला कौन से टेंस में है, जल्दी बोलिए आप लोग, कौन से टेंस में, जल्दी बोलिए इसको, कौन से टेंस में है। तो देखिए दे वर ईटिंग एट द रेस्टोरेंट, मतलब रेस्टोरेंट में खा रहा है, ये खा रहा था, वे एक रेस्टोरेंट में क्या था, खा रहा था, ठीक है। तो अब बताइए जो वेयर है यहाँ पे, वेयर क्या बता रहा है, तो आप बोलेंगे कि वेयर जो होता है ना, ये क्या बताता है, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, तो आप बोलेंगे कि वर्ब का ये तो सेकेंड फॉर्म है, तो ये बताएगा क्या, तो आप बोलेंगे ये तो पास्ट बताता है, ये तो पास्ट बताता है, तो ये पास्ट बता देगा, ठीक है, वर यहाँ पे दिख रहा पास्ट बता देगा। लेकिन जो ईटिंग है, ईटिंग क्या बताता है, तो आप बोलेंगे जो ईटिंग है ना, ईटिंग बताता है कॉन्टिन्यूअस, दोनों को जोड़ दीजिए तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा, ठीक है। नीचे वाला आप लोग खुद ही सॉल्व करिएगा और बताइएगा कमेंट में कि ये किस टेंस में है, नीचे वाला 14 वाला नंबरिंग करके लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला कौन सा होगा, अगला देखिए, अगला बताइए आप लोग, अगला क्या लिखा है, आई हैड फिनिश्ड, आई हैड, सिर्फ देखिए वर्ब से हम पहचान लेंगे कौन से टेंस में है, आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर यू कॉल्ड, है ना, तो आपके बुलाने से पहले मैं अपना होमवर्क ख़त्म कर चुका था, ठीक है। तो बोलिए अगर हैड लिखा है तो ये कौन से टेंस में जाएगा, हैड लिखा है तो कौन से टेंस में जाएगा, तो आप बोलेंगे अगर हैड ये लिखा है तो ये जाएगा कौन से टेंस में, ये जाएगा पास्ट में, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म अकेला आने वाला ना है, तो पहले हमारा टाइम आता है फिर एक्शन आता है, तो हैड कहाँ है, तो आप बोलेंगे हैड यहाँ पे है, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा पास्ट, फिर क्या लिखा है फिनिश्ड, फिनिश्ड होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्या बना देगा पास्ट परफेक्ट। आगे बढ़िए, अगला बताइए आप लोग, अगला क्या बताएंगे, अगला है सी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 ईयर्स। अगला एग्जाम्पल देखिए ऊपर लिखा है, क्या लिखा है, सी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 ईयर्स। इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो क्या बनाएंगे, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हैड क्या बताता है, तो आप बोलेंगे पास्ट बताएगा गुरुजी, पास्ट तो बता देगा, ठीक है। बीन क्या है, तो बीन है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्या बनेगा पास्ट परफेक्ट, लेकिन ये आईएनजी क्या बता देगा, तो आप बताएंगे ये बताएगा कॉन्टिन्यूअस, इसको हम क्या बता देंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। आशा करते हैं कि टेंस हम लोग का देखिएगा, अगला जो टेंस होगा, अगला लिखा है कि आई विल स्टडी इंग्लिश एवरी डे। अब ये बताइए ये कौन से टेंस में है, तो पहले इस चार्ट को देख लीजिए, और आपको पता है कि विल सेल किस लिए आता है, तो आप बोलेंगे विल और सेल जो होता है ना, विल सेल आता है फ्यूचर दिखाने के लिए, तो यहाँ विल तो आ गया है, ये निश्चित तौर पे फ्यूचर का टेंस है, फ्यूचर में तो विल आएगा। अब आई के साथ विल सेल दोनों आता है, अगर आई के साथ, आई और वी को अगर आप विल के साथ लगाते हैं तो दृढ़ निश्चय दिखाता है, और साइल के लगा दें, साइल के साथ लगाएं तो नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग दिखाता है, ठीक है। आगे देखिए आई विल स्टडी इंग्लिश, अब बताइए विल कहाँ आता है, फ्यूचर में आता है, तो ये क्या बता देगा फ्यूचर, लेकिन ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो अब बताइए विल अकेला आया है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आगे है, तो अब क्या बनेगा, ये तो फ्यूचर दिखा देगा विल, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखता है तो क्या बोलते हैं इंडेफिनिट, तो फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। तो ये बनाया कौन सा, फ्यूचर इंडेफिनिट। आगे बढ़ते हैं, अगला आप लोग बताइएगा, अगला है कि द स्टूडेंट विल बी टेकिंग द एग्जाम, इसका मतलब क्या हुआ,
आगे तो विल दिया है ना, तो आगे विल दिया है तो क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट विल बी टेकिंग द एग्जाम। अब आप बोलेंगे बी कैसे आ गया, तो बी दिखा देगा क्या, ये दिखा देगा बी फ्यूचर, ओके। टेकिंग दिखा देगा कॉन्टिन्यूअस, टेकिंग दिखा देगा कॉन्टिन्यूअस। लेकिन जो बी होता है ना, बी कहाँ से आ जाता है, तो बी आता है इज एम आर का बेस फॉर्म होता है। विल सेल कहता है कि हम हैं मॉडल, हम हैं मॉडल, और जो बेस फॉर्म होता है, बेस फॉर्म यानी प्रेजेंट से ही फ्यूचर बनाना है। तो आप देखिए जो बी है ना यहाँ पे, बी ये किसका किसका रूप है, किसका बेस फॉर्म है, इज एम आर का है। तो बी क्या बन जाता है यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, बी इज एम आर बन जाता है बी, तो ये बनेगा फ्यूचर, फिर क्या है कॉन्टिन्यूअस, कौन सा टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। आशा करते हैं कि ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले पे आते हैं, अगला टेंस। अगला आप लोग बताइए कि विल तो दिख गया आपको, विल दिख गया इस टेबल में से बताइए, विल तो दिख गया निश्चित तौर पे फ्यूचर है, विल दिख गया है निश्चित तौर पे ये फ्यूचर है, लेकिन आगे बताइए हैव दिखा है फिर क्या दिखा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखा है, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या बताएगा, तो आप बोलेंगे कि ये तो परफेक्ट बता देगा, ये तो परफेक्ट बता देगा, और विल क्या बताएगा फ्यूचर, तो इससे कौन सा टेंस बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला लास्ट वाला हम लोग का है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसको आप लोग बताइए कि ये कौन सा टेंस बनेगा, ठीक है। इसको अगर ट्रांसलेट हम लोग करें, देखिए अगला का लिखा है कि विल, विल तो ये क्या दिखा देगा, तो आप बोलेंगे फ्यूचर दिखा देगा। हैव क्या दिखाएगा, तो हैव जो होता है, हैव प्रेजेंट से ही फ्यूचर बनता है, क्या बनता है, प्रेजेंट से ही फ्यूचर बनता है। तो ये हैज और हैव जो होता है ना, केवल इसमें हैव ही आता है, क्यों आता है, विल कहता है कि हमारे बाद बेस फॉर्म चलेगा, हैज नहीं आ सकता, तो ठीक है ये फ्यूचर दिखा देगा। बीन क्या दिखाएगा, तो आप बोलेंगे ये तो परफेक्ट दिखा देगा, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट दिखाता है, ठीक है। प्रिपेयरिंग क्या है, तो ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है, तो ये क्या बना देगा, कौन सा टेंस बनाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप कंप्लीट सीखे होंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।